हेलो एवरी वन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल माई नेम इज़ नाजनीन शेख एंड आई एम गोइंग टू टीच यूर्ल्ड ट्वेल्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश सो लेट स्टार्ट सो वी हैव दिस चैप्टर एन एस्ट्रोलॉजर्स डे दिस इज़ द आइस ब्रेकर विच वी आर गोइंग टू डू बट आफ्टर द चैप्टर लेट लेटस क्विकली गो टू द चैप्टर सो स्टार्टिंग विद अ चैप्टर टूडे एन एस्ट्रोलॉज डे जिसके ऑथर है आर के नारायण सर जिन्होंने इस चैप्टर को लिख जिनका सर्वाइवल रहा है 1906 से 2001 तक जब हम बात करते हैं आर के नारायण सर की ये बहुत ही फेमस इंग्लिश नावलिस थे और इन्होंने अपने करियर में 14 नावल्स लिखी थी जिसमें से फाइव वॉल्यूम्स जो थी उसकी वो शॉर्ट स्टोरीज़ की रही है और इन्होंने कई सारे ट्रैवल लॉग्स भी लिखे हैं जिसके साथ साथ इनका कलेक्शन ऑफ नॉन फिक्शन भी रहा है टू हिस्स क्रेडिट यानी इन्होंने नॉन फिक्शन में भी कई ज़्यादा अपना कलेक्शन अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो दिया है इसके साथ साथ ही हैज़ ऑल्सो रिटर्न हिज मेमोयर मेमोयर इज माई डेज इन्होंने अपने डेज के बारे में बताया है इन द ईयर नाइनटीन सेवेंटी फाइव अगेन माई मेमोयर वॉज वेरी फेमस नारायण हैज क्रिएटेड द इमेजिनरी टाउन ऑफ मालगुडी मालगुड़ी एक सीरियल आया करती थी जो हमने देखा था तो मालगुड़ी डेज करके वो सीरियल थी वो भी आर के नारायण सर जो है उन्होंने ही लिखा था वह रियलिस्टिक कैरेक्टर्स इन अ टिपिकली इंडियन सेटिंग लिव्ड अमिड अनप्रडिक्टेबल इवेंट्स यानी कि रियलिस्टिक कैरेक्टर्स इन्होंने इस तरीके से बनाया था उन कैरेक्टर को बनाने के बाद क्या किया था लिव्ड इन अनप्रडिक्टेबल इवेंट्स यानी कि अनप्रडिक्टेबल जो आप इवेंट सोच भी नहीं सकते हो उससे रिलेटेड इन्होंने क्या था मालगुडी डेज के बारे में स्टोरी जो है वो लिखी थी हे स्टोरीज आर ग्राउंडेड इन कम्पेशन ह्यूमन एज ह्यूमनिज़म कम्पैशन्यूमनिज़म यानी इनकी जो स्टोरीज होती है जो भी ये लिखा करते थे मोस्ट प्रोबेबली वो रिलेट किससे किया करती थी ह्यूमनिज़म से रिलेट किया करती थी एंड सेलिब्रेट द ह्यूमर एंड एनर्जी ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ जो सीधी सादी हमारी ज़िंदगी है थोड़ा सा उसमें ह्यूमर होता था हंसी मजाक होता था और उसके साथ साथ एनर्जी ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ एक सादी ज़िंदगी जीने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती हमको इसके बारे में भी यहाँ मेंशन है ही स्टोरीज आर कैरेक्टराइज बाय अ सिंपल स्टाइल एंड सटल स्पिरिट यानी बहुत ही सिंपल तरीके से ये अपनी स्टोरी लिखते थे ईजिली कोई भी इनके स्टोरीज़ को जो है वो पढ़ सकता है नाउ नारायण वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू अमेरिकन रीडर्स इन 1952 यानी कि अमेरिकन रीडर्स से मिले ये इन द ईयर 1952 बाय मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में 1952 में ये अमेरिकन रीडर्स से मिले हैं दिस इंक्लूड स्वामी एंड फ्रेंड्स यानी कि जिनसे मिले हैं वो उनके बारे में यहाँ पर मैंशन किया गया है स्वामी एंड फ्रेंड्स उसी के साथ साथ इन्होंने अपना बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है नाइनटीन में द डार्क रूम 1938 थर्टी एट एन एस्ट्रोलॉजस् डे जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं जो इन्हीं की स्टोरी रही है इसी के साथ साथ अदर स्टोरीज भी इन्होंने क्या किया है 1947 में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है तो बेसिकली दी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन जो हम देख सकते हैं मिस्टर संपत नाइनटीन फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो दिया गया है 1954 में वेटिंग फॉर द महात्मा 1955, द गाइड 1958 फिफ्टी एंड मैनी अदर बुक्स और ये सारी स्टोरीज जो बुक रिलेटेड है वो उन्होंने लिखी है हिज नॉवल द गाइड वोन हिम ओके इनकी जो नॉवल है द गाइड वोन हिम द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन नाइनटीन सिक्सटी वन यानि इन्होंने जो नॉवल लिखी थी द गाइड उसके लिए इनको साहित्य अकेदमी अवार्ड जो है वो दिया गया था द मोस्ट कवर्ड लिट्रेरी ऑनर इन इंडिया यानी सबसे ज़्यादा Uh, सम्मानित किया जाता है इस अवार्ड से जिन्हें जो साहित्य अकेडमी अवार्ड होता है हिज राइटिंग इज डिस्टिंग्विश्ड बाई ह्यूमर एंड अनऑफेंडिंग आयरनी ह्यूमर यानी कि जो भी ये लिखते थे उसमें मजाक होता था लेकिन अनऑफेंडिंग होता था इस तरीके का मजाक जो किसी को हर्ट ना करे किसी के फीलिंग्स को और ना ही किसी को बुरा लगे अ यूनिक इंडियनस एंड अ सिम्पलिसिटी इंडियनस यानी कि एक हिंदुस्तानियों की जो बात होती है जो क्वालिटी होती है वो इनकी राइटिंग में छलक कर आती थी विच इज़ अटली चार्मिंग एंड ऑथेंटिक जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था इनकी स्टोरीज़ को नारायण टिपिकली पोर्ट्रेज द पेक्यूलिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड द पैराडॉक्सिस ऑफ इंडियन डेली लाइफ यानी ह्यूमन रिलेशनशिप से रिलेटेड जो है वो इनकी स्टोरीज हुआ करती थी और उसी के साथ साथ जो भी पैराडॉक्सेस होते हैं जो इंडियन डेली लाइफ में जो भी चीज़ें होती है उनसे रिलेटेड इन्होंने क्या किया कि अपनी स्टोरीज को जो है वो लिखा है हिस् स्टाइल इज ग्रेसफुल मार्क्ड बाय जीनियल ह्यूमर एलिगेंस एंड सिंपलिसिटी सो अगेन इनके बारे में एक ही चीज़ है जो बार बार रिपीट हो रही है जो बोलती है कि इन्होंने क्या किया है जो भी अपनी स्टोरीज लिखी है उसमें थोड़ा सा ह्यूमर हुआ करता था थोड़ा सा मजाक हुआ करता था लेकिन वो मजाक किसी को बुरा ना लगे इस तरीके का मजाक होता था फन वे में लोग इनकी स्टोरीज को पढ़ते भी थे और खुश भी होते थे तो दैट वॉज दी एंटायर क्रक्स ऑफ दिस ऑथर आर के नारायण सर स्टार्टिंग विद दी चैप्टर एन एस्ट्रोलॉजर्स डे विच इज अबाउट एक ज्योतिष के पूरे दिन के बारे में एक कहानी लिखी हुई है आर के नारायण सर ने चलिए देखते के बारे में क्या बताया है उन्होंने हमें स्टोरी में तो एन एनएस्ट्रोलॉज डे जैसे मैंने कहा एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिष विद्या जो पढ़ते हैं और जो लोगों को बताते हैं उनके भविष्य के बारे में बताते हैं किसी तरीके की प्रॉब्लम डील्स कर रहे हैं तो उनके बारे में बताते हैं उसके सोल्यूशन के बारे में बताते हैं तो वो होता है तुम्हारा एन एनएस्ट्रोलॉजस्ट डे के बारे में जो यहाँ पर इस चैप्टर में दिया हुआ है स्टार्टिंग किया है पंक्चुअली एट मिड डे ही ओपन हिज बैग यानी कि ज्योतिष विद्या वाले जो होते हैं जो ज्योतिषी करते हैं जो आपको आपके लाइफ के बारे में करियर के बारे में फ्यूचर के बारे में बताते हैं उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स होता है जो अपने पास तैयार होता है तो भरी दोपहर की बात थी जहाँ पर वो आए उन्होंने अपना बैग जो है वो ओपन किया एंड स्प्रेड आउट इज प्रोफेशनल इक्विपमेंट अब प्रोफेशनल इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है जैसे मैं टीचर हूँ तो मेरे पास क्या होगा पेन होगा पेंसिल होगा चौक होगा डस्टर होगा राइट तो अगर एक कोई एस्ट्रोलॉजर है तो उसके पास उसका प्रोफेशनल इक्विपमेंट क्या होगा एक चार्ट होगा हाथ में देखने के लिए जो मैग्नीफाइंग ग्लास लगता है वो हो गया तो जितनी उनके प्रोफेशन से रिलेटेड चीज़ें थी वो सारी चीज़ें उन्होंने क्या किया अपना बैग ओपन करके सारे इक्विपमेंट्स को बाहर निकाले विच कंसिस्टेड ऑफ अ डजन कावरी शेल्स यानी अब वो बता रहे हैं उनके बैग में क्या क्या चीज़ें थी उसमें सबसे पहली चीज़ जो थी वो थी कावरी शेल्स कावरी शेल्स का मतलब होता है जो सीप होती है जो समुंदर में हमको मिलती है जाकर कई बार हमको बहुत अच्छा लगता है हम रेत के पास जाए उस सीप को उठा कर लेकर आए तो वो जो सीप होती है जिसको हिंदी में बोला जाता है उसे इंग्लिश में कावरी शेल्स बोला जाता है तो डजन ऑफ कावरी शेल्स का मतलब होता है कुछ डजन भर कावरी शेल्स थे उनके बैग में जो उन्होंने बैग में से हाथ डाल के बाहर निकाला और स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ एक स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ था स्क्वायर पीस ऑफ़ स्क्वास जिसमें चार्ज था जिसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल इस तरीके का एक पीस ऑफ क्लोथ था जिसके अंदर कुछ ऐसे चार्ज बने हुए थे जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जो है उसके बारे में नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ज्योतिष विद्या हर किसी को नहीं आती है तो सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर है जो इस बारे में समझ पाएंगे तो उस एस्ट्रोलॉजर के पास इस तरीके का एक जो है वो चार्ट था ऑन इट नोटबुक एंड अ बंडल ऑफ पामायरा राइटिंग बंडल ऑफ पामायरा राइटिंग मतलब होता है यहाँ पर एक नोटबुक थी जिसके अंदर आपका जो हाथ का शेप होता है ये इस तरीके का हाथ का शेप था जिसके अंदर कई सारी चीजें जो है वो उनकी अपनी लैंग्वेज में लिखी हुई थी जो सिर्फ ज्योतिषी को समझ में आए ठीक है His forehead वॉज रिस्प्लेंडेंट विथ सीक्रेट एश रिस्प्लेंडेंट का मतलब यहां पर दिया हुआ है ब्राइट डेजलिंग एंड impressive. यानी कि उनका जो फोरहेड था उस पर सीक्रेट एश थी यानी हम राख जिसको कहते हैं तो उनके फोरहेड पे इस तरीके की राख थी एंड वर्मिलियन वर्मिलियन का मतलब होता है अगर हम अपनी हिंदी लैंग्वेज में इसको बोले तो सिंदूर भी कह सकते हो आप इसको या टीका भी कह सकते हो आप इसको जो कि ऑरेंज कलर का होता है रेडिश एकदम ऑरेंज कलर में जो होता है वो होता है आपका वर्मिलियन तो उनके सर पे जो है वो सीक्रेड एश थी उसके साथ साथ क्या था टीका जो होता है वो टीका लगा हुआ था एंड हिज आईज स्पार्कल विद अ शार्प एबनॉर्मल ग्लीम विच वॉज रियली इन आउटकम ऑफ अ कंटिन्यूअस सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो अब उनकी आंखें जो थी वो क्या थी बहुत ही शाइन कर रही थी ब्राइट कर रही थी क्यों क्योंकि उनकी आंखें जो है यहाँ पर वो किसको ढूंढ रही थी अपने लिए आज कोई कस्टमर्स को ढूंढ रही थी कि कोई मेरे पास आए अपनी ज्योतिष विद्या जो है वो उनको उनके लाइफ के बारे में जो है वो बता सके बट विच हिज सिंपल क्लाइंट्स टूक टू बी अ प्रोफेटिक लाइट एंड फेल्ट कंफर्टेबल यानी कि क्लाइंट्स इनके पास आते थे अपनी प्रॉब्लम्स बताते थे ये उनका सोल्यूशन उनको बताते थे तो जो क्लाइंट हैं वो लोग बहुत ही लाइट और कंफर्टेबल फील करते थे क्यों फील करते थे क्योंकि वो लोग आकर अपनी प्रॉब्लम्स इनसे शेयर कर रहे हैं और वो क्या करते थे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताते थे कि अगर आप ऐसी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हो करियर में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए तो उस बात का सोल्यूशन देते थे तभी उनके जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ज्यादा डिलाइट फील करते थे बहुत ही खुश हो जाते थे जब उनकी स्टोरीज जो है वो अब शेयर करके उसका सोल्यूशन लेकर जाते थे द पावर ऑफ इज आइज वॉज कंसिडरेबली एनहेंस्ड बाय द पोजिशन प्लेस्ड एज दे वेर बिटवीन द पेंटेड फोर हेड्स एंड द डार्कर्स विच स्ट्रीम डाउन अब ये जो दिया हुआ है ये उनके फेशियल फीचर्स के बारे में बात कर रहा है फेशियल फीचर्स के बारे में क्या बात कर रहा है कि उनका आइज जो था इट वॉज एनहेंस एनहेंस यानी कि इंक्रीज बाय द पोजिशन अब उनकी आंखें काफी बड़ी बड़ी थी क्यों क्योंकि उन्होंने सीक्रेट एच भी लगाया हुआ था वोमिलियन भी लगाया हुआ था कस्टमर्स को ढूंढ भी रहे थे तो आंखें उनकी जो है वो काफी बड़ी 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 थी उसी के साथ साथ वो बात कर रहे हैं यहाँ पर डार्क विस्कर्स की विस्कर्स का मतलब हिंदी में होता है जिसको हम कहते हैं मूछे मुझे।, मुझे तो डार्क विस्कर्स उनकी जो है वो हुआ करती थी जो कि उनकी चीख से पूरे स्लो डाउन हो रही थी इवन अ हाफ विथ आई वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग टू क्राउन द इफेक्ट ही वोंट अ सेफ्रॉन कलर टर्बन अराउंड हिज हेड तो जो भी इन्होंने लुक ले रखा था उस लुक को और इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया एक सर पर अपने टर्बन बांध दिया टर्बन का मतलब होता है जो हम पगड़ी बांध देते हैं कई बार आप देखते हैं ज्योतिषी के सर पर एक टर्बन होता है जो पगड़ी होती है वो क्यों पहनते हैं क्योंकि अपने पूरे लुक को जो उनको देना था पूरी तरीके से प्रोफेशनल लुक बनाना था तो सिर्फ सीक्रेड ऐश लगाकर वो मिलियन लगाकर उन्होंने सोचा काम नहीं चलेगा मुझे ज्योतिष में वा, वाकई में मुझे दिखना है अगर ज्योतिष तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे उस तरीके के लुक में खुद को कन्वर्ट भी करना पड़ेगा जिसके लिए उन्होंने क्या किया उन्होंने सर पे एक सैफरन कलर का टर्बन या हम उसको पगड़ी भी कह सकते हैं जो उन्होंने पहन लिया था टू क्राउन द इफेक्ट ओके वी हैव डन दिस दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड यानी कि ये जो कलर स्कीम होती है ना ये कभी फेल नहीं होती है मतलब लोग ऐसे कलर्स को देख कर क्या होते हैं और ज़्यादा अट्रैक्ट होते अगर वो सिर्फ वर्मिलियन लगाते और ऐश लगाते और बैठे रहते शायद उनको कोई नहीं पहचान पाता लेकिन क्योंकि उन्होंने ये सेफ्रॉन कलर का टॉबन पहन रखा था तो कई लोग उससे क्या होते थे उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होकर उनके पास उनके कस्टमर्स जो है वो आया करते थे पीपल वे आर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू काज्मोज़ और दहलिया स्टॉक्स यानी कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है लोग किस तरीके से अट्रैक्ट होकर आते थे उनके पास में जिस तरीके से बीज जो होती है मक्खी जो होती है जो फ़्लावर्स के ऊपर जाती है दहलिया के ऊपर जाती है कॉजमोज़ के ऊपर जाती है उसी तरीके से क्या होता है लोग इनके पास अट्रैक्ट होकर आया करते थे Okay now it is saying that he sat under he sat under the boughs of a spreading tamarind tree यानी कि इस तरीके का एक टैमरिन ट्री है जिसके पास यहाँ पर ऐसा जगह हुआ करती थी उसे हम कहते हैं बोर्ड ऑफ अ स्प्रेडिंग टैमरिन ट्री ट्रैम टैमरिन का मतलब होता है यहाँ पर जो इमली का झाड़ होता है उसके नीचे ऐसी एक जगह थी जहाँ पर ये क्या करते थे आकर बैठ जाया करते थे विच फ्लैंग द पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल अब इसके पास से जो रास्ता जाता था वो टाउन हॉल की तरफ़ यानी कि जैसे आप हम मार्केट एरिया बोल सकते हैं उस तरफ जाने वाला वो रास्ता था जहाँ पर लोगों का ज़्यादा आना जाना हुआ करता था इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज जिसका मतलब होता है वो एक ऐसी जगह थी जहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो है वो आया करते थे ओके अ सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट यानी सुबह से लेकर रात तक क्या होता था, था यहाँ पर सुबह से लेकर रात तक लोग जो है वो यहाँ पर आया जाया करते थे यानी क्राउड बहुत होता था उस जगह पर तो ऐसी ही जगह उन्होंने चुनी थी अपने काम के लिए अ वाइटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेश वॉज रिप्रेजेंटेड ऑल अलॉन्ग इट्स वे यानी कि सिर्फ वो ही नहीं बैठते थे उनके साथ साथ दूसरे लोग जो दूसरे ऑक्यूपेशन के हुआ करते थे जो कोई सामान बेचने आया करते थे वो लोग भी वहाँ उस मार्केट प्लेस में आकर बैठा करते थे मेडिसिन सेलर्स हुआ करते थे सेलर्स ऑफ़ स्टोलन है हार्डवेयर एंड जंक हुआ करते थे यानी चोरी का सामान लाकर जो बेचना होता है वो भी बेचने का काम वहाँ हुआ करता था मजिशियंस होते थे जैसे मेले में होता है जादूगर होते हैं जो जादू दिखाते हैं एंड अबाउ ऑल एन ऑप्शनियर ऑफ चीप क्लोथ ऑप्शनियर का मतलब होता है जो बोली लगाता है जो चिल्ला चिल्ला कर लोगों को अपने पास अट्रैक्ट कर कर बुलाता है जैसे कपड़े की प्राइज अगर आप मार्केट में जाते हो तो कई बार आप देखते हो आपको कोई ना कोई ऐसा होता है मार्केट में जो चिल्ला कर उस चीज़ की प्राइस बताकर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है कि कोई सेल लगी होगी तो आपको चिल्ला कर बुलाते हैं तो उसी तरीके से यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है एन ऑक्शनर ऑफ चीप क्लोथ यानी सस्ते में कोई कपड़ा बेच रहा था तो वो चिल्ला चिल्ला कर जोरों से क्या कर रहा था ऑप्शन लगा रहा था यानी बोली लगा रहा था कपड़ों के प्राइस के बारे में जो है वो वहाँ मार्केट में जितने भी लोग थे उनको बता रहा था वो क्रिएटेड इनफ दिन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन यानी कि जो कि दिन भर में काफी ज्यादा अच्छा कमा लेता था टू अट्रैक्ट दी होल टाउन यानी इस तरीके से चिल्लाता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो अट्रैक्ट होकर उसकी आवाज़ सुनकर जो है वो उसके पास आए नेक्स्ट टू हिम इन वॉसी फेरसनेस का मतलब होता है बींग लाउड एंड नॉइजी यानी इससे भी ज़्यादा चिल्लाने वाला कोई इंसान था वहाँ पर जो क्या बेचता था फ्राइड ग्राउंड नट्स बेचता था जो सिंग होते हैं जो भुने हुए सिंग होते हैं वो बेचने का काम करता था तो वो और भी ज़्यादा क्या करता था चिल्ला कर वहाँ पर बेचने के लिए आता था हु गेव हिज़ वेयर अ फैंसी नेम वेयर का मतलब होता है वो जिस ठेले के ऊपर अपना बिजनेस लगाया है उसको वो क्या बोलता था हर दिन वो अलग अलग नाम से बुलाया करता था जैसे कि कभी उसने बोल दिया बॉम्बे आइसक्रीम कभी उसने बोल दिया दिल्ली एलमंड कभी उसने बोल दिया राजाज डेलीकसी तो इस तरीके से वो क्या करता था अलग अलग नाम से अपने ही बिजनेस को बुलाया करता था ताकि लोगों का अटेंशन जो है वो सीख कर पाए उनके पास आ जाए बेचता तो वो ग्राउंड नट ही था कोई नई चीज़ नहीं बेच रहा था लेकिन वो क्या बोलता था बुलाकर ताकि लोगों का अटेंशन उसके पास आए वो चिल्लाता था बॉम्बे आइसक्रीम या दिल्ली एलमंड बोलता था या फिर राजा डेली बोलता था तो ये अलग अलग नामों से उसने अपने बिजनेस को बुलाया था एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड पीपल फ्लॉक टू हिम फ्लॉक टू हिम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग जो है वो उसके पास झुंड जमा होकर आ जाया करता था जिसे हम फ्लॉक कहते हैं अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डेलीट बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू यानी कि क्या होता था डेलीट का मतलब यहाँ पर दिया हुआ अराउंड यानी कि एक छोटे मोटे पोर्शन में कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो यहाँ वहाँ घूमा करते थे और एस्ट्रोलॉजर के आसपास आया भी करते थे दी एस्ट्रोलॉजर ट्रांजेक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर विच क्रैकल्ड एंड स्मोक टप अबाउ द ग्राउंड नट ही नियर बाय यानी कि क्या बता रहा है ये अब जो जगह थी उनकी जहाँ पर वो अपना बिजनेस करते थे उसी ग्राउंड नट वाले के बाजू में अपना बिजनेस करते थे अब हर कोई अलग अलग कलर की लाइट यूज किया करता था तो उनके पास जो लाइट थी लाइट ऑफ अ फ्लेयर यानी कि जो ओरिजिनली नेचुरली जो रोशनी आ रही है वो रोशनी आया करती थी उसके अंदर ही वो बैठकर अपना काम करते थे एंड स्मोक्ड अप अबाउट दी ग्राउंड नट हीप नियर बाई जो ग्राउंड नट का ढेर लगाया हुआ था जो बेच रहा था उसके पास जो ढेर लगाया हुआ था उसी के बाजू में क्या करते थे वो एस्ट्रोलॉजर जो है वो बैठते थे, थे और अपना बिजनेस कर नाउ इट इज दैट हाफ द इंचैनमेंट ऑफ द प्लेस इंचैनमेंट का मतलब यहाँ पर होता है मैजिकल इफेक्ट और चाम यानी कि उस जगह की खूबसूरती ही किस चीज़ में थी ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव दिनिफिट ऑफ म्यूनसिपल लाइटिंग दैट मीन्स यहाँ पर म्यूनसिपलिटी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से जो स्ट्रीट लैम्प होते हैं लाइटिंग्स होते हैं वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थे क्या अवेलेबल थे यहाँ पर जो भी शॉप्स होती थी जो भी शॉप्स होती थी उनमें जो लाइट्स हुआ करती थी वही लाइट्स जो है वो अवेलेबल होती थी और वही लाइट्स उन जगह की खासियत भी हुआ करती थी क्योंकि हर किसी ने अपने अपनी शॉप के हिसाब से अलग अलग लाइटिंग करके रखा था वन और टू हैड हेसिंग गैस लाइट्स किसी के पास गैस लाइट्स थी जिसको हम लालटेन भी बोलते हैं वो थी सम हैड नेकेड फ्लैज स्टक ऑन पोल्स किसी ने लालटेन जो है वो पोल्स के ऊपर टंगा रखा था सम वेयर अप बाई दी ओल्ड साइकिल लैम्प किसी के पास पुराने तरीके के जो ओल्ड साइकिल लैम्प होते हैं किसी ने उन लैम्पस का यूज़ किया था एंड वन ऑट टू लाइक दी एस्ट्रोलॉजर मैनेज विदाउट लाइट्स ऑफ दर ओन और कुछ ऐसे भी लोग थे जो वहाँ बिजनेस करने आते थे तो जो जिन्होंने जैसे एस्ट्रोलॉजर बिना किसी लाइट को लगाए काम कर रहे थे उसी तरीके से कुछ लोग ऐसे थे जो बिना किसी लाइट का यूज़ किए यहाँ पर काम कर रहे थे इट वॉज़ अ बी बिल्डरिंग स ऑफ द लाइट रेस, कन्फ्यूजिंग या बैफलिंग बोल सकते हैं हम इसको यानी कि जो ओरिजिनल लाइट आ रही थी जो नेचुरल लाइट आ रही थी वही लाइट जो है वो क्या हो रही थी एस्ट्रोलॉजर के ऊपर आ रही थी एंड मूविंग शेडोज दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल फॉर द सिंपल रीजन दैट ही हैड नॉट इन द least इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर वेन ही बिगेन इस लाइफ अब यहाँ पर क्या बोल रहा है सिंपल रीजन है क्योंकि उसने कभी अपनी लाइफ में सोचा ही नहीं था जब उसने स्टार्ट किया था एस्ट्रोलॉजी करना भविष्य बताना ज्योतिष विद्या जब वो उसने स्टार्ट किया था उसने कभी नहीं सोचा था अपनी लाइफ में कि वो ये काम करने वाला है तो उसने किसी तरीके की लाइटिंग अपने आसपास जो है वो नहीं लगा कर रखी क्योंकि उन्होंने कभी सोच नहीं रखा था कि वो कभी लाइफ में एस्ट्रोलॉजर बनने वाले हैं जब उन्होंने ये काम शुरू किया है ही न्यू नो मोर ऑफ वॉट वॉज गोइंग टू हैपन टू अदर्स देन ही न्यू वॉट वॉज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट ये स्टेटमेंट बोल रहा है उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनके लाइफ में खुद के साथ क्या होने वाला है लोगों के साथ क्या होने वाला है क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट था ही नहीं कभी एस्ट्रोलॉजी में या एस्ट्रोलॉजर बनने में तो उन्हें ना तो अपनी लाइफ के बारे में पता था कि क्या होने वाला है और ना ही उन्हें लोगों के बारे में पता था कि उनकी लाइफ में क्या होने वाला है ही वॉज एज मच एज मच स्ट्रेंजर टू द स्टार्ज एज वेर हिज इनोसेंट कस्टमर्स यानी अगर हम तारे सितारे के बारे में बात करें तो वो भी उतना ही स्ट्रेंजर था यानी उसको किसी तरीके का नॉलेज नहीं था जिस तरीके से हमको अगर नॉलेज नहीं है हम काफ़ी इनोसेंट हैं हमको नहीं पता है कौन से तारे किस तरीके से हमारी लाइफ में अफेक्ट करते हैं वी डोंट नो दैट इज़ द रीज़न वी गो टू दिस एस्ट्रोलॉजर्स एंड द सेम थिंग हैपन्स एस्ट्रोलॉजर जो यहाँ पर है उनको भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है नेक्स्ट पल में उन्हीं के साथ में येट ही सेट थिंग्स विच प्लीज एन astonished एवरी वन बावजूद इसके कि उनको कुछ नहीं पता था वो इस तरीके की बातें करते थे लोगों से कि लोग सोच में पड़ जाते थे कि इन्हें ये सारी चीज़ें कैसे मालूम है और खुश भी हो जाते थे जब वो उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उनको दिया करते थे दैट वॉज़ मोर अ मैटर ऑफ स्टडी अब उन्होंने ये चीज़ कैसे सीखी थी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना या लोगों को इस बात में ढालना कि वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं देट वॉज़ अ मैटर ऑफ स्टडी प्रैक्टिस एंड श्रीवड गेस वर्क श्रीड मतलब गुड एट जजिंग पीपल या फिर हम क्लेवर बोल सकते हैं वाइज बोल सकते हैं इसको तो ये काम उन्होंने कैसे सीखा था ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने स्टडी की उस चीज़ के ऊपर लोगों के ऊपर स्टडी की प्रैक्टिस करते गए लोगों की बात सुनते गए उन्हें हमेशा वो ज़्यादा टाइम देते थे कि आप पहले अपनी बात करो तब तक वो बीच में किसी तरीके से लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते थे और कुछ काम उनके गेस वर्क हुआ करते थे यानी कि अगर हमने किसी की कभी प्रॉब्लम सुन ली तो हम भी थोड़ा बहुत गैस वर्क दे देते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे आई है लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि हम एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं लेकिन क्योंकि ये इनके इर्स ऑफ एक्सपीरियंस रहे हैं कि स्टडी किया है प्रैक्टिस किया है गेस वर्क के ऊपर काम करते हैं इसलिए लोग जो है वो क्या होता था इनसे ज्यादा अट्रैक्ट हो जाया करते ऑल द सेम इट वॉज एज मच एन ऑनेस्ट मैन लेबर एज एनी अदर एंड ही डिजर्व द ही दैरिड होम एट एंड ऑफ द डे यानी कि अगर देखा जाए तो जैसे एक ऑनेस्ट uh, मैन काम करता है अपने काम को काम करने के बाद पूरे दिन भर में थका हारा अपने घर जाता है पगार लेता है क्योंकि ये भी काम कर रहा था तो ये भी डिजर्व करता है क्या डिजर्व करता है अपना जो एंड ऑफ द डे वेजेस है जो अपना तनख्वाह इनको मिलती है वो लेकर वो घर चले जाए ओके okay, अभी इनकी थोड़ी सी लाइफ के बारे में बताया जा रहा है जब ये एस्ट्रोलॉजर नहीं थे तो तब ये क्या किया करते थे अस सी वाज वॉज प्रीवियस लाइफ ही हैड लेफ्ट प्लान यानी जब इन्होंने अपना गाँव छोड़ दिया तो इनके माइंड में किसी तरीके का कोई प्लान नहीं था या इन्होंने पहले से सोचा नहीं था कि मैं जो है अपना गाँव छोड़कर जाने वाला हूँ इफ ही हैड कंटिन्यूड ही वुड है वर्क ऑफ इज फोर फादर्स अगर वो गाँव में ही रहते गाँव छोड़कर नहीं जाते तो वो क्या करते उनके जो फोर फादर्स है जो उनके पूर्वजों का काम हुआ करता था वो भी वही काम करते थे क्या काम हुआ करता था टाइलिंग द लैंड टिलिंग द लैंड का काम करते थे वो या तो फिर लिविंग मैरिंग एंड राइपनिंग इन एस कॉनफील्ड एंड एनसेस्ट्रल होम क्या करते थे अपने ही घर में रहते थे खेती करते थे शादी करते थे जैसे एक फैमिली में लोग सेटल होते हैं हमारे फोर सेटल होते आए हैं काम करने के बाद शादी कर लो फिर अपने बीवी बच्चों के साथ घर में रहो अगर ये अपने विलेज में रहते तो ये भी वही करते कुछ न्यू नहीं करते बट देट वॉज नॉट टू बी लेकिन ऐसा हुआ नहीं ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनी यानी उनको क्या करना पड़ा उनको घर छोड़ना पड़ा विदाउट टेलिंग एनी क्यों क्योंकि ऐसा कुछ हुआ है उनके साथ पास में जिस रीज़न से उनको अपना गांव जो है वो छोड़कर जाना पड़ा एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड कपल ऑफ हंड्रेड माइल्स और जब तक घर छोड़ के वो सौ मील दूर नहीं गए तब तक उन्होंने किसी तरीके का रेस्ट नहीं लिया यानी जैसे ही उन्होंने गाँव छोड़ा कंटिन्यूसली वो चलते गए बिना रेस्ट के टू तो अ विलेजर इट इज़ अ ग्रेट डील एज इफ एन ओशन फ्लोट बिटवीन यानी एक विलेजर के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो अपना सब कुछ छोड़ कर बिना किसी को इन्फॉर्म करके आ गए हैं तो उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैन काइंड स्ट्रगल यानी उनको क्या था उन्होंने एक एनालिसिस बनाकर रखा था उन्होंने काम करके रखा था लोगों की परेशानियों के ऊपर कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मली अगर लोगों को प्रॉब्लम होगी भी तो किस चीज़ से प्रॉब्लम होती है लोगों के पास में एक तो मैरिज की प्रॉब्लम हो सकती है पैसों की प्रॉब्लम हो सकती है टैगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज का मतलब जो रिश्ते नाते हैं हमारे उससे रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम हो सकती है लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पन्ड हिज परसेप्शन यानी कि क्या कह रहा है यहाँ पर जो भी लॉन्ग प्रैक्टिस है उनकी जो भी उनकी लॉन्ग प्रैक्टिस रही है लोगों को जानने की उससे क्या हुआ है उनके परसेप्शन को यानी कि उनकी सोच को उन, उनका एक्सपीरियंस जो है वो और ज्यादा लोगों से मिलने के बाद बढ़ता चला गया विद इन फाइव मिनट्स ही अंडरस्टूड वॉज रॉन्ग यानी कि लोग जब आते थे उनसे बात करने के लिए तो पांच मिनट के अंदर वो समझ जाते थे कि इनकी क्या परेशानी हो सकती है कैसे समझ जाते थे क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम बिताया था लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनने में और समझने में तो जैसे हमने तीन चीज पढ़ी एक तो उन्होंने स्टडी किया लोगों के प्रॉब्लम्स के बारे में प्रैक्टिस किया और कुछ उनका गेस वर्क भी होता था जो काम आ जाता था अब यहां वो बोल रहे हैं ही यूज टू चार्ज थ्री पाइस पर क्वेश्चन ओके पर क्वेश्चन के लिए वो कितना चार्ज किया करते थे पाइज पाइस जो है ये एक ऐसी करेंसी है जो इंडिया और पाकिस्तान में 1947 के पहले जो है वो यूज हुआ करती थी तो कोई भी अगर आपको एक क्वेश्चन पूछना है तो उनके लिए वो कितना चार्ज करेंगे थ्री पाइस पर क्वेश्चन जो है वो चार्ज किया करते थे नेवर ओपन हिज माउथ टिल द अदर हैथ स्पोकन फॉर एटलीस्ट टेन मिनट्स विच प्रोवाइडेड हिम इनफ स्टफ फॉर अ डजन आंसर्स एंड एडवाइजेस तो यहाँ पर क्या हो रहा है ही वॉज नेवर ओपनिंग इज माउथ कभी अपना मुंह खोलते नहीं थे कब नहीं खोलते थे जब तक कस्टमर आकर 10 मिनट तक खुद अपना दुखड़ा ना सुना दे या खुद उस बा, बात बातों से रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड बात ना कर दे क्योंकि जब 10 मिनट में इंसान बोल रहा है तो वो काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी सामने वाले को दे देता है जिससे कि आसान हो जाता है सामने वाले को प्रेडिक्ट करना और समझना कि उनके मन में उनके दिमाग में क्या चल रहा है वेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम गेजिंग एट हिस्स पाउन यानी कि अब वो जब लोगों से बात करते थे तो उनका हाथ देखते थे इसे हम पाम कहते हैं तो उनका हाथ देखा करते थे इन मेनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर एफर्ट्स अब वो लोगों से किस तरीके से बात करते थे उनको कहते थे कि तुम कितना भी मेहनत कर लो लेकिन तुमको उसका फल जो है वो नहीं मिलता है कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है अगर हम किसी को पूछ लेते हैं तो लोग हमें भी यही चीज कहते हैं राइट right? कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन फिर भी आपको कुछ उसका एफर्ट्स जो है उसका कोई किसी भी तरीके से पे जो है वो नहीं मिल रहा है नाइन आउट ऑफ टेन वेट यानी कि एक रेशियो दिया हुआ है अगर वो ऐसे दस लोगों को दिन भर में मिलते थे और ये स्टेटमेंट देते थे कि आपकी हार्डवर्क का किसी तरीके से आपको पे नहीं मिल रहा है तो नौ लोग दस में से नौ लोग जो है वो उनकी बातों पर क्या करते थे अग्री हुआ करते थे और ही क्वेश्चन इज देर एनी वुमेन इन योर फैमिली मे बी इवन एट अ डिस्टेंट रिलेटिव हु इज नॉट वेल डिस्पोज टवर्ड्स यू या फैमिली में कोई ऐसी लेडी है कोई ऐसी औरत है जो दूर के रिश्तेदार में होगी आपके लेकिन हो सकता है आपके साथ उसकी अच्छी नहीं बनती हो तो हो सकता है उसने कुछ किया हो आपके साथ में तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स वो लोगों को देते थे और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर मोस्ट ऑफ़ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर या तो फिर लोगों को ऐसे बोल दिया करते थे जैसे किसी ने बता दिया कि मेरा बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है कलीग्स के साथ में फ्रेंड्स के साथ में रिलेटिव के साथ में तो एनालाइज करते थे उसकी प्रॉब्लम को और वो क्या रिप्लाई दिया करते थे तुम्हारी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम है वो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर नेचर यानी उनके नेचर के ऊपर बताते थे तुम्हारी ही वजह से तुम्हारे लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम जो है वो आ रही है फिर वो बोलते हैं यू हैव एन इम्पेटस्ट नेचर एंड अ रफ एक्सटीरियर इम्पेटस्ट नेचर का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है इम्पल्सिव नेचर यानी कि तुम्हारा नेचर ऐसा है और रफ एक्सटीरियर है यानी कि तुम बहुत ज़्यादा रफ हो लोगों के साथ बात करने में बहुत ज़्यादा रूड हो ये एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आप लोगों से इन्वॉल्व नहीं होते हो घुलते मिलते नहीं हो तो आपका नेचर है जो आपके लिए सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है दिस endeared हिम टू देयर hearts इमीजिएटली Endeared का मतलब होता है मेक मेड लाइकेबल अब ये सारी बातें जब हम सुनते हैं अपने बारे में तो हमको क्या लगता है हाँ हो सकता है हमारे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो. हो सकता है मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ तो वो क्या करते थे उस एस्ट्रोलॉजर को उस एस्ट्रोलॉजर की बात मान लिया करते थे वो समझते थे कि ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट ही हैज फॉरवर्डिंग एक्सटीरियर यानी कि हम में से कोई भी ऐसा रहे तो क्या सोचेगा वो जो भी बोल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सही बात कर रहे हैं द नट्स वेंडर ब्ल्यू आउट इज फ्लेर एंड रोज टू गो होम नट्स वेंडर का मतलब होता है वो जो ग्राउंड नट वेंडर जिसके बाजू में वो एस्ट्रोलॉजर बैठे थे उसने क्या किया जो अपनी जो लाइट उसकी चालू थी वो लाइट को उसने क्या कर दिया बंद कर दिया क्यों बंद कर दिया क्योंकि ये एक सिग्नल था कि अभी जो है वो घर जाने का टाइम हो गया इवनिंग हो गई थी तो घर जाने का टाइम हो चुका था सिंस इट लेट हेम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल शैफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट विच स्ट्रेड इन फ्रंट इन इन फ्रॉम समवेयर एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम यानी कि उसने तो लाइट बंद कर दिया उसके जाने का टाइम हो चुका था लेकिन एस्ट्रोलॉजर बैठा था फिर भी एक ग्रीन शेफ्ट ऑफ लाइट जो है वो आ रही थी एक रिफ्लेक्शन आ रहा था लाइट का हल्का हल्का सा जब डार्कनेस होती है उसके पहले थोड़ी सी लाइट रहती है वही लाइट का रिफ्लेक्शन था जिससे कि वह एस्ट्रोलॉजर वहाँ पर अभी भी बैठा हुआ थार ने लिया यानी कि पैराफेनेलिया का मतलब होता है अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल आर्टिकल्स यूज्ड इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी अ पर्सनल पोजेशन यानी हमने स्टार्टिंग में जो पढ़ा था जो भी उनके प्रोफेशनल इक्विपमेंट थे क्योंकि अब जाने का टाइम हो गया था तो इन्होंने भी क्या किया था पैकअप करना शुरू कर दिया था तो जो कावरी शेल्स थी वो भरना शुरू कर दिया उसके बाद जो उनके मिस्टिक चार्ज थे मिस्टिक चार्ज का मतलब होता है ऐसे चार्ज जो सिर्फ एक ज्योतिष ही समझ सकता है हमारे नॉर्मल लोगों के समझने की बात वो बिल्कुल भी नहीं है एंड वॉज बैक इन टू हिस्स बैग वन ग्रीन शेफ्ट ऑफ लाइट वॉज बउट अब वो जो ग्रीन शेफ्ट ऑफ लाइट आ रही थी वो भी धीरे धीरे क्या होने लगी कम होने लग गई तो उन्होंने अपना सारा इक्विपमेंट सब कुछ अपने बैग में भरकर जाने की तैयारी कर ली ही लुक टप एंड सो अटैंडिंग बिफोर हिम जैसे ही वो जा रहे थे उन्होंने क्या देखा एक आदमी को देखा जो कि उनके सामने आकर खड़ा था ही सेंसिबल क्लाइंट एंड सेट यू लुक सो केयर वन यहाँ पर वो बोल रहे हैं अब उन्होंने सोचा कि चलो जाते जाते मुझे एक कस्टमर मिल गया तो उन्होंने उसको क्या बोला तुम मुझे काफी ज्यादा परेशान लग रहे हो इट विल डू गुड टू सिट डाउन फॉर अ वाइल एंड चैट विथ मी यानी कि वो यहाँ पर बोल रहे हैं अगर कोई परेशानी है तो तुम एक काम कर सकते हो मेरे साथ बैठ जाओ यहाँ पर हम मिलकर बात करते हैं तो द्रम्बल सम रिप्लाई वेगली यानी कि उसको क्या हुआ थोड़ा सा अजीब लगा ये एस्ट्रोलॉजर ने मुझसे ऐसी बात की है तो थोड़ा सा उसने वेग रिस्पॉन्स दिया यानी अजीब तरीके का रिस्पॉन्स यानी उसको इंटरेस्ट नहीं था इतना बात करने में एस्ट्रोलॉजर से द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन वेर अपॉन द अदर थ्रस्ट इज पाम अंडर इज नो सेंग अब एस्ट्रोलॉजर ने उसको इन्विटेशन दिया कि आओ बैठो हम बात करते हैं लेकिन द अदर पर्सन द अदर का मतलब होता है जो दूसरा बंदा आया है जो उसका क्लाइंट आया है कस्टमर आया है उसने क्या किया उसने इस तरीके से खड़ा हुआ ऐसे नाक के नीचे हाथ रखा और क्या बोला तुम अपने आप को एक एस्ट्रोलॉजर बुलाते हो यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर यानी कि क्या बोल रहा है क्या तुम अपने आप को एक एस्ट्रोलॉजर बुलाते हो द एस्ट्रोलॉजर फेल चैलेंज एंड सेट टिल्टिंग द अदर्स पार्मर्ड्स द ग्रीन शेफ्ट ऑफ लाइट यानी कि एस्ट्रोलॉजर का भी थोड़ी सी चैलेंजिंग लगी कि ये कोई इंसान है जो कि मुझे क्या कर रहा है चैलेंज कर रहा है तो उसने क्या अपनी एक्टिंग शुरू कर दी टर्ड्स दी ग्रीन शेफ्ट ऑफ लाइट और वो जो हल्की सी लाइट थो, थोड़ी बहुत बची थी ना उस लाइट में उसका हाथ लेकर वो चेक करने की कोशिश कर रहा था और कोशिश करते हुए क्या बोल रहा था योर्स इज अ नेचर यानी कि उसको उसके नेचर के बारे में बता तुम्हारा नेचर ऐसा है इतने में उसने क्या किया ओ स्टॉप दैट दिन बोला ओ रहने दो ये सब मत करो दी अदर सेट टेल मी समथिंग वर्थ वाइल यानी मुझे कुछ ऐसा बोलो जो कुछ काम का हो मेरे ये सब मुझे मत बताओ कि तुम्हारा नेचर बिहेवियर ये मेरे किसी काम का नहीं है मुझे कुछ ऐसा बोलो जो मेरे काम का होगा अ फ्रेंड फेल पिक्ट, पिक्ट का मतलब होता है इरीटेटेड यार, आर एनॉइड यानी कि उसको थोड़ा सा इरिटेट होने लग गया आई चार्ज ओनली थ्री पाइज पर क्वेश्चन यानी एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है मैं हर एक क्वेश्चन का सिर्फ थ्री पाइज ही चार्ज करता हूँ एंड वॉट यू गेट आउट टू बी गुड इनफ फॉर यर मनी और जो भी तुमको उस

तो उसने अपना आम जो है वो विद्रू कर लिया टुक आउट एन एना यानी अपनी जेब में हाथ डालकर एक पैसे निकाला एना हम बोलते थे अगेन अ करेंसी जिसको हम एना बोल, बोला करते थे एंड फ्लंग इट आउट टू हिम और उछाल कर उसने क्या किया उस एस्ट्रोलॉजर को वो पैसा दे दिया आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क यानी कि मुझे कुछ क्वेश्चन तुमको पूछना है इफ़ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग ब्लफिंग की यानी कि अगर तुम झूठ बोल रहे हो अगर मैंने प्रूफ कर दिया यू मस्ट रिटर्न दैट एना टू मी विथ इंटरेस्ट यानी ये जो पैसा मैं तुमको दे रहा हूँ मैं तुमको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा अगर तुमने ब्लफ किया तुमने झूठ बोला तो तुमको इंटरेस्ट के साथ ऐना तो मुझे रिटर्न करना ही है उसी के साथ साथ आपको क्या करना है इंटरेस्ट के साथ मुझे वो पैसे भी रिटर्न करने हैं इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी फाइव रुपीज तो अब एस्ट्रोलॉजर बोलता है अगर तुमको जो भी मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया सेटिस्फैक्ट्री लगा सही लगा तो क्या तुम उसके लिए मुझे कितना दोगे फाइव रुपीज़ दोगे तो जो क्लाइंट है जो कस्टमर है उसने क्या रिप्लाई दिया नो no, यानी कि वो तैयार नहीं है फाइव रुपीज़ देने के लिए और विल यू गिव मी एट एनास या तो फिर उसको पूछते है क्या तुम मुझे एट एनास देने के लिए तैयार हो या तो फाइव रुपीज़ दो उसने ना बोल दिया तो उसने क्या बोला या तो फिर तुम मुझे एट एनास दे दो ऑल राइट प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ यू आर रॉन्ग बोलते ठीक है तुम मुझे दो टाइम ज़्यादा दोगे अगर तुम गलत साबित हुए तो सेट द स्ट्रेंजर यानी कि ये जो स्ट्रेंजर आया है इसने उसको क्या बोला अगर तुम गलत साबित हो गए तो तुम मुझे कितना टाइम्स रिटर्न दोगे ट्वाइस यानी दो टाइम उस पैसे का ज्यादा तो मुझे रिटर्न दोगे दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट पैक्ट का मतलब होता है यहाँ पर अग्रीमेंट यानी कि दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट हो गया कि चलो ठीक है दोनों मान गए उस बात के ऊपर थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट चला उन लोगों का काफी वक्त तक लेकिन फिर दोनों उस बात के ऊपर मान गए ओके okay. नाउ द एस्ट्रोलॉजर हैज सेंट अ प्रेयर टू हेवन एज द अदर लेटर चिरोट चिरोट का मतलब होता है यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर ने क्या करना शुरू कर दिया अब उसने अपनी एक्टिंग शुरू कर दी कि वो उसके उससे रिलेटेड हेवन में प्रेयर यानी कि आसमान की तरफ ऐसा देखते हुए जो हम ऐसा करते हैं एक्शन ऊपर वाले का नाम लेते हैं वो उसने स्टार्ट कर दिया और अदर है यानी कि ये बात हो रही है आपके स्ट्रेंजर की जो स्ट्रेंजर है उसने क्या करना शुरू कर दिया अपना सिगार लाइट करके सिगार पीना शुरू कर दिया दी एस्ट्रोलॉजर अ ग्लिम्प्स ऑफ इस फेस बाय द मैच लाइट अब एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया माचिस की आ, माचिस की तीली जलाकर जो उतनी सी रोशनी में उसने क्या किया एक ग्लिप्स एक झलक देखी किसकी उस स्ट्रेंजर की एक झलक देखी कि वो कर क्या रहा है लेकिन वो तो अपना सिगार जो है वो लिट कर रहा था देर वॉज अ पॉज एस कार्ज हुटेड ऑन द रोड अब क्या हो गया अब सब कुछ रुक गया क्यों क्योंकि वो उसकी तरफ देख रहा था उसको ऑब्जर्व कर रहा था कार हुटेड ऑन द रोड हुटेड का मतलब होता है यहाँ पर कार जो है वो वहां से पास हो रही थी वो भी हुटेड यानी कि हौ, हॉकिकिंग हो रहा था उसका वो भी बंद हो गई जुटका ड्राइवर्स स्वर एट देयर हॉर्सेज जुटका ड्राइवर्स यानी कि जो हम हम जिसको घोड़ा गाड़ी कहते हैं तो उसको चलाने वाले जुटका ड्राइवर्स जो थे उन्होंने भी अपनी घोड़ा गाड़ी जो है वो रोकना शुरू कर दी थी अभी एंड द बैबल ऑफ़ द क्राउड एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क बैबल ऑफ द क्राउड यानी जो लोग बातें कर रहे थे इतने सारे लोग अगर एक पार्क में होते हैं उनके बातें करने की आवाज़ आती है उसे हम कहते हैं बैबल एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क अब यहाँ पता चल रहा था कि धीरे 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 क्या हो रहा है सेमी डार्कनेस यानी कि हम अंधेरे की तरफ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं यानी रात होने वाली है द अदर सैट डाउन सेकेंग हिस्ट ची रूट पफिंग आउट सेट दर रूदलेसली यानी जो स्ट्रेंजर था वो वहां पर बैठ गया सकिंग इज चीरोड यानी कि अपनी जो सिगार है वो पीते हुए बैठ गया उसके कश लगा रहा था जिसमें हम पफिंग कहते हैं सेट देर रूदलेसली अब वहाँ आकर वो आराम से बैठ गया और देख रहा है कि वो एस्ट्रोलॉजर जो है वो क्या कर रहा है दी एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल अब उसके इस एटीट्यूड और बिहेवियर को देख कर स्ट्रेंजर का जो एटीट्यूड था उसको देख कर एस्ट्रोलॉजर काफी ज्यादा अनकम्फर्टेबल हो गया उसे अच्छा नहीं लगने लगा ही टेक योर एनास बैक अब वो बोलता है कि अपना जो पैसा जो तुमने मुझे दिया है एस्ट्रोलॉजर ने कहा जो तुमने मुझे पैसे दिए ये अपने पैसे जो है वो अपने पास ही रखो आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस मुझे इस तरीके के चैलेंज लेना पसंद नहीं है और ना ही मुझे ऐसे चैलेंजेस की आदत है तो अल्टीमेटली वो ये दिखा रहा था कि तुमने मेरी इंसल्ट कर दी एज एन एस्ट्रोलॉजर तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो तो देट इज़ एन इंसल्ट टू मी इट इज़ लेट फॉर मी टूडे और मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है अभी मेरे घर जाने का टाइम हो गया मुझे लेट हो रहा है

तुम मेरे रास्ते में आए थे मैं तो तुमसे पूछने नहीं आया था लेकिन तुम सामने से आए मेरे पास पूछने क्या तकलीफ है क्या परेशानी है हम बैठ कर बात करते हैं मैं तो अपने रास्ते जा रहा था तुमने मुझे रुका लिया तो अब तुम इस क्वेश्चन से पीछे नहीं हट सकते हो तुमको मेरी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करनी ही पड़ेगी दी एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रिप शिवर्ड यानी अब वो एस्ट्रोलॉजर थोड़ा सा कांपने लग गया एंड हिज वॉइस शुक एंड बिकेम फेंट फेंट का मतलब होता है यहाँ पर बेहोश नहीं हुआ लेकिन उसकी आवाज़ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई साउंड कर रही थी Leave मी today. आई विल स्पीक टू यू tomorrow. एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं तुम मुझे आज छोड़ दो आज मुझे तुम जाने दो हम जो है वो कल मिलेंगे कल कंटिन्यू करेंगे दी अदर थ्रस्ट इज पाम इन फेस एंड सेट चैलेंज इज चैलेंज गो ऑन अब उस स्ट्रेंजर ने क्या किया उसके फेस के ऊपर अपना पाम रख दिया और उसको बोला चैलेंज जो है वो चैलेंज होता है तुम अब इस चैलेंज में आ चुके हो तुम इससे बाहर नहीं, नहीं निकल सकते हो दी एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडियर विद इस थ्रोट ड्राइंग अप देर इज अ वुमेन अब एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया है पर उसको कहानी बताना शुरू कर दिया क्या कहानी बताना शुरू किया देर इज़ अ वुमेन यानी एक वुमेन के बारे में वो बताने जा रहा है उसको तो आज का हमारा लेक्चर जो है हम यही एंड करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आगे की स्टोरी है उसको कंटिन्यू भी करेंगे और उसी के साथ साथ जो हमारा ग्राम ग्रामेटिकल पोर्शंस है उसे भी हम वर्कशॉप जो है इंग्लिश का आपके टेक्स्ट बुक के पीछे उसे हम कवर कर लेंगे ये आपका ब्रेन स्टॉमिंग सेशन है जो कि हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा होगा जो भी मैंने एक्सप्लेन किया ईजी लैंग्वेज में मैंने पूरी कोशिश की एक्सप्लेन करने की जो कि आपको समझ में आया होगा केस इफ़ यू लाइक माई लेक्चर प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर थैंक यू वेरी मच